सो हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम लोग nth टर्म ऑफ एपी को फाइंड आउट करने वाले हैं फंक्शंस को यूज़ करते हुए। सो अगर आपको फंक्शंस के बारे में नहीं पता सी प्लस प्लस के अंदर, तो पिछली वीडियो में हमने समझा था कि फंक्शंस क्या होते हैं, तो आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं। सो शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखते हैं हेडर फाइल आईओ स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। अब यहाँ पर हमें एक फंक्शन बनाना है, तो हम लोग फंक्शन का नाम रख लेते हैं एनए टर्म ऑफ एपी। तो यहाँ पर हम लोग इसका जो डेटा टाइप है वो इंट रखेंगे, एनथ टर्म ऑफ एपी। सो ये जो फंक्शन है वो तीन पैरामीटर्स को लेगा। एपी के अंदर एनए टर्म कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हमें पता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू टू। तो सबसे पहले हम लोग इनपुट लेंगे, फर्स्ट जो नंबर है हमारी एपी का उसको, देन हम लोग इनपुट लेंगे जो कॉमन डिफरेंस है एपी का उसे, एंड देन हम लोग इनपुट लेंगे कौन से नंबर की जो टर्म है आपको फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर हम लोग इनपुट लेंगे एन को। यहाँ पर हम लोग सबका जो डेटा टाइप है उसको रख देते हैं इंट, देन डी भी इंट डेटा टाइप का, एंड देन एन भी जो होगा वो हमारा इंट डेटा टाइप का। अब हम फंक्शन को कॉल करते हैं। सो बेसिकली हमें रिटर्न कराना है एन एट टर्म को, तो वो हम लोग कैसे लिखेंगे, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ए प्लस देन ब्रैकेट एन माइनस वन स्टार टी। सो ये हमारा फॉर्मूला होता है एन एट टर्म को कैलकुलेट करने का। तो इस तरीके से हम लोग रिटर्न करा सकते हैं एन एट टर्म को। अब हम लोग लिखेंगे हमारा मेन फंक्शन इंट मेन यहाँ पर हम लोग सी आउट करा देंगे, एंड हम यहाँ पर लिखते हैं फंक्शन का नाम, एंड यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट नंबर है वो लेट सपोज टू है, देन हमारा जो कॉमन डिफरेंस है वो लेट सपोज फोर है, एंड हमें टर्म कौन सी कैलकुलेट करनी है, लेट सपोज हमें थर्ड टर्म जो है वो एपी की कैलकुलेट करनी है। इस तरीके से आप लोग फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। अब हम इसको सेव करके रन करते हैं। हाँ, जो हमारा जो आंसर है वो 10 आ रहा है। तो हम लोग कैलकुलेट करके देखते हैं, 2 प्लस n माइनस 1, 2 प्लस 2 इंटू 4 मीन्स 4 इंटू 2, 8 प्लस 2 मीन्स 10। सो जो हमारा आंसर है वो कैलकुलेट होके आ चुका है। अब हम इसको चेंज करते हैं, एंड यहाँ पर हम लोग कॉमन डिफरेंस को रखते हैं 10, एंड हमें जो डिजिट है वो कैलकुलेट करनी है 100th। अब हम इसको सेव करके रन करते हैं। सो जो हमारा आंसर है वो आ चुका है। तो इस तरीके से आप लोग फंक्शंस को यूज़ करके एनी टर्म ऑफ एपी को फाइंड आउट कर सकते हैं।